माइंडसेट है, इसमें टाइम बहुत टाइम एक ये टाइम बॉक्स एक्टिविटी है, इटरेटिव अप्रोच यूज होती है इसमें। एजाइल बेसिकली ना आपका, देखिए आपको ना वैल्यू प्रोवाइड करता है। आप जब आप सॉफ्टवेयर कोई क्वालिटी डिलीवरी दैट करते हैं ना, डिलीवर्स, मतलब यानी कि वो सॉफ्टवेयर को इंडिपेंडेंटली हम उसको स्टार्ट करते हैं। जी, मतलब देखिए एजाइल का प्रॉब्लम ये होता है, एजाइल जो है ना एक आपको वैल्यू डिलीवर करता है। ठीक है, कि आप जब कोई भी सही है। रिलीज देते हो, कोई भी प्रोडक्ट देते हो, कोई भी सर्विस देते हो, तो वो आपको एक वैल्यू डिलीवर करता है। एक आप, क्योंकि जब आप इतना फ्रीक्वेंटली फीडबैक ले रहे होते हो, आपको पता चल रहा होता है क्या चीज कहाँ पे लैकिंग है, तो वो जब आप एंड में एक एंड प्रोडक्ट देते हो ना, जी, तो आपको अंदाजा होता है कि यार ओके, इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है। और इसमें इसमें जो एक अप्रोच का आपने, हम लोगों ने इसमें किया था कि एजाइल जो है इटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज करता है। इटरेटिव अप्रोच में जो मुझे समझ में आया था कि इसमें स्प्रिंट्स होते हैं और हम सही है, इसमें जो है वो कस्टमर से फीडबैक लेके ऑन स्पॉट मतलब रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, और रिजल्ट्स में जो फीडबैक आता है उसको हम दोबारा अपनी साइकिल से वो करते हैं, डेवलपमेंट टीम पे जाता है, दोबारा डेवलपमेंट टीम उसको जो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट जो है चेंज रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हुए उसको दोबारा रिडिलीवर करती होते हैं और रिजल्ट देते हैं, जिसकी वजह ऐसा ही से है। ये टाइम एफिशिएंट है। ऐसे ही है, बिल्कुल टाइम एफिशिएंट हो, और आपका जो अच्छा, कस्टमर आप है ना, आपका इंक्रीमेंटल क्लाइंट जब है, अप्रोच पे आते हैं तो उसमें जो वो आपका ना कंटिन्यूअसली इंगेज रहता है। आप, ठीक है जी, कंटिन्यूअसली कस्टमर एंगेज रहता है तो वो आपको एक फीडबैक दे रहा होता है और उसको खुद भी ये होता है कि ये कंटिन्यूअसली मुझे जो है क्या कहते हैं सेटिस्फाइड प्रोडक्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रही है टीम मुझे, जो इसका जो मुझे समझ में आया कि जी एजाइल टर्मिनोलॉजीज यूज टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम डिलीवर कर रहे होते हैं अपने कस्टमर को उसकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक वो सॉफ्टवेयर जो कि उसकी नीड होती है, और ऑन स्पॉट उसको हम चेंज भी कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी व्यू कर रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं और उसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं कि जी ये टाइम वो है, और ये भी देख रहे हैं कि अच्छा इसमें मुझे थोड़ा सा एक चीज वो आपसे और पूछनी थी कि इसमें जो स्कोप क्रीप, यानी जब स्कोप क्रीप की एक बात होती है कि जी हमारे पास स्कोप कस्टमर जो है जब हमें वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले अपना एक प्रोजेक्ट स्कोप शेयर करता है जी, ये मतलब प्रोजेक्ट हम उसको मतलब वो कहते हैं कि हम आप बताओ कि आप क्या चाहते हो, तो उसने वो चीजें बताई होती हैं कि जी ये मेरा रिक्वायरमेंट्स हैं, ये टाइम टू टाइम मुझे ये रिक्वायरमेंट्स होंगी, जैसे मैंने आप जैसे आपने लास्ट टाइम शेयर किया था कि जी एक यूजर की स्क्रीन है उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि जी यूजर आईडी आ गई और पासवर्ड आ गया, देन उसने कहा कि जी मुझे जो है इसमें लैंग्वेजेस भी चाहिए, मुझे इसमें जो है वो कोई और फीचर भी डालना है जो एक ही स्क्रीन पे मुझे ये मिल जाए। अच्छा, स्कोप क्रीप से मेरा मतलब उस जो स्कोप हमें दिया गया था, अगर उस स्कोप से बाहर ऑन स्पॉट कोई एक रिक्वायरमेंट आती है कि जी नहीं ये भी कर दें, हालांकि ये स्कोप में मतलब यानी कि जब आरएफपी शेयर हुई या बीआरडी शेयर हुई तो उस टाइम पे ये डॉग ही था कि जी कस्टमर जो है ये चीज मांग रहा है, ये चीज उसको चाहिए, मगर उसने नीड्स एंड वांट्स में देखते हुए अपनी चेंजेस की और हमसे वो कहा कि जी हमें नहीं करें, तो उस टाइम पे हम क्या उस कस्टमर के पास जाकर ये कहेंगे कि ये अपना आप स्कोप क्रीप का ख्याल रखिए, आप स्कोप से बाहर जा रहे हैं विदिन उस टाइम, ये हम अपनी कॉस्ट बढ़ाते हैं कि अगर इस इन दैट केस ये इश्यू आता है। अच्छा देखिए, इसमें 1 मिनट रुकिएगा। देखिए असल में होता क्या है, ये ना डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल अप्रोच का और एजाइल का। ट्रेडिशनल अप्रोच जो वाटरफॉल अप्रोच होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि
आपका इनिशियल स्टेज पे जो है ना स्कोप लॉक कर देते हैं, ठीक है, आपके पास स्कोप आया, स्कोप का एक डॉक्यूमेंट आया जो वो कहलाता है SOW, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, आपने स्कोप डिसाइड किया, SOW आया, साइंड हुआ, वो लॉक हो ठीक गया। है उसके बाद वाटरफॉल में कोई भी आपके पास रिक्वायरमेंट आती है तो वो फिर एज अ चेंज रिक्वेस्ट लेटर की जाती है, वो पूरा एक चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस होता है उसके थ्रू आती है। बट इसमें क्या होता है, एजाइल प्रोजेक्ट में जो है ना स्कोप जो है वो वेरिएबल होता है, वो वेरी क्यों करता है, ताकि हम इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट करें, हम फीडबैक ड्राइविंग इंप्रूवमेंट करें, कि जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलता रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम चीजें चेंज करते रहते हैं। इसका रीजन ये होता है बिकॉज यू नो एक आप कह सकते हैं कि की ऑफ एजाइल क्या, आप उसका ये होता है कि आप रिस्पॉन्डिंग टू चेंजिंग बिजनेस नीड्स, कि जो आपके पास बिजनेस नीड्स आ रही हैं आप उसको बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे हो और एक वैल्यू डिलीवर कर रहे हो कंसिस्टेंटली। तो एजाइल में जो है ना आप बेसिकली एजाइल एम्ब्रेस करता है चेंज को, सही है। सही है। तो यू कैन से कि स्कोप क्रीप जो है ना वो एजाइल में स्टिल हो सकता है डिफरेंट रीजंस की वजह से। फॉर एग्जांपल आपके पास बैकलॉग में एक आपने रिक्वायरमेंट्स ले ली, बट बैकलॉग में क्या हुआ, यू कैन से जैसे आपने एक बैकलॉग बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट बैकलॉग बनाया, आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ गए, आपके पास स्टोरी पॉइंट्स आए, आपने उसकी प्रायोरिटी सेट नहीं करी सही से, आपने टीम के साथ बैठ के या कस्टमर के साथ बैठ के प्रोडक्ट ओनर की लैकिंग हो गई, उसने प्रायोरिटी सेट नहीं करी, कस्टमर ने कहा था कि यार मुझे ये आइटम, तीन आइटम मुझे पहले चाहिए, बट प्रोडक्ट ओनर ने क्या किया, पहले एक आइटम दे दिया जो उसने दूसरा कहा था, उसके बजाय उसने कोई दूसरा आइटम दे दिया। इस पे स्कोप क्रीप आ सकता है कि टीम की एफर्ट्स लग सकती है, ठीक है, बैकलॉग में जो आइटम्स हैं उसमें क्लैरिटी की लैकिंग हो, आपके पास इन डेप्थ नॉलेज ना हो, उस वजह से स्कोप क्रीप आ सकता है। आपकी जो स्प्रिंट स्टार्ट होती है तो उसमें एक स्प्रिंट प्लानिंग होती है ना, आपका स्प्रिंट गोल डिसाइड किया जाता है, आपने स्प्रिंट प्लानिंग की विदाउट स्प्रिंट गोल, कोई क्लियर गोल्स ही नहीं है, उस वजह से स्कोप क्रीप आ सकता है। या आपने स्प्रिंट प्लानिंग कर दी, टीम को आइटम दे दिए, लेकिन आपने कोई गोल डिसाइड ही नहीं किया, अब टीम को यही नहीं पता कि यार हमारा ये गोल है, हम 2 वीक्स की स्प्रिंट में वी विल अचीव दिस गोल, यू हैव नो, टीम को आइडिया ही नहीं, इस वजह से आपका स्कोप क्रीप आ सकता है। और आप ये भी इस वजह से भी आ सकते हैं कि जो चेंजेस है ना आपको इन बिटवीन द आइट्रेशंस आ रहे हो, लाइक स्प्रिंट के बीच में आ रहे हो, उस चीज को फिर कैटर नहीं करते, क्यों, क्योंकि आपका स्प्रिंट गोल जो है प्लानिंग में लॉक हो चुका होता है, तो आप इन बिटवीन कोई मेजर चेंज नहीं करते कैटर, अनलेस एंड अनटिल एंड अनलेस कि आपका कोई बहुत कोई इंपॉर्टेंट और क्लाइंट की तरफ से बहुत ही हाई प्रायोरिटी है, उसका भी डिसीजन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रोडक्ट ओनर की होती है। सही। एक रीजन ये भी होता है एजाइल में स्कोप क्रीप का कि आपके कोई न्यू फीचर, आप जो क्लाइंट आया कि यार मुझे ये भी करना है, इस तरह से कर दो प्लीज ये कर दो, बट वो ना बहुत यू नो रश में हुआ और उसके पास प्रॉपर लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, उसने कहा कि यार मुझे ये बिल पेमेंट की स्क्रीन बना दो, लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्या करना है, बस मुझे लेकिन अभी चाहिए, और इसको कॉस्ट भी नहीं पता उसकी। सो अगर आप उसके कॉस्ट एनालिसिस नहीं करोगे प्रॉपरली, प्रोडक्ट ओनर नहीं करेगा, आप उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं लोगे, प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं करोगे, टाइम एस्टिमेशन नहीं करोगे, तो इट वुड ऑल्सो क्रिएट अ स्कोप क्रीप इन एजाइल। अच्छा, इसमें थोड़ी आपने बैक ऑनर जो है वो कॉस्ट एनालिसिस प्रोजेक्ट आता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक लेते हैं कि जी हमारे पास एक ट्रैवल गाइड का एक प्रोजेक्ट आया कि जिसे ट्रैवल गाइड ऐप चाहिए, जिसमें जो है उसकी पेज पे कस्टमर जाए तो वो टूर्स एंड ट्रैवल जो भी मंथली प्लान है वो भी देख ले, उसके पैकेजेस भी देख ले, उसके डिस्काउंट्स भी देख ले, और सीजन भी देख ले कि जी कौन कौन से सीजन में क्या क्या डिस्काउंट्स हैं, आउट ऑफ सीजन है, पीक सीजन है तो रेट डिफरेंट हैं, ऑफ सीजन है तो रेट डिफरेंट हैं। तो एक ये ट्रैवल गाइड का मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ गया, मैंने अब ये जो प्रोजेक्ट हमारे पास आया है इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट शेयरिंग करूंगा मैं, तो ये अब एक कंपनी है, जैसे एक आपकी मैं कहता हूँ जी आपकी कंपनी है ABC, ABC कंपनी को मैंने ये प्रोजेक्ट दे दी के पास में आया और मैंने कहा कि मुझे ट्रैवल गाइड ऐप चाहिए और इस ये मेरा वो है डिमांड कि जी मुझे मेरा कस्टमर आया तो उसको जो है मंथली टूर्स एंड ट्रैवल की जो भी डील्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, नारायण कागान में क्या है, मरी में क्या है, हैदराबाद में क्या है, वो सब आ जाए, देन पैकेजेस आ जाए, फिर
पैकेजेस में ऑफ सीजन का पैकेज आ जाए, ऑन सीजन का पैकेज आ जाए, डिस्काउंट्स आ जाए, अगर टीम बड़ी है तो उसके डिस्काउंट अलग हैं, एक सिंगल कपल जा रहा है उसके डिस्काउंट, उसकी पैकेजेस अलग हैं, ये सारी डिटेल आ जाए। अच्छा, इसको लेके जब मैं प्रोडक्ट को ये सारे फीचर्स मैंने आपकी कंपनी एबीसी से शेयर किए, देन सही एबीसी है। कंपनी के मैं अंदर आ गया, तो अब मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि कौन इसकी कॉस्ट एनालिसिस करके इस रिटर्न बैक करेगा टू एक्स वाई जी, यानी कि ये ट्रेवल गाइड ऐप को, जी ये आपकी प्रोडक्ट है जो आपने हमसे शेयर की थी और इसकी जो है कॉस्ट ये आएगी, मतलब उसने उस हम कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट की है उसके बेसिस क्या होते हैं, ठीक है, उसकी टाइम डिलीवरी, उसका उसके फीचर्स, उसकी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, किस लेवल पे वो बनेगी, किस 24 आवर सर्विसेज होंगी, क्या होगा, मतलब पेमेंट शेड्यूल है सारे, ये चीज जो है कॉस्ट एनालिसिस सारा जो है ये उस एबीसी कंपनी में कौन कर रहा होता है, वो कौन सा डिपार्टमेंट है। देखिए वो ये आपकी जो ना प्रोडक्ट ओनर ही होता है, साथ में बिजनेस एनालिस्ट होता है, वो साथ में बैठ के एक रोड मैप बनाते हैं क्लाइंट के साथ। क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी होती है प्रोडक्ट ओनर को, देन प्रोडक्ट ओनर बिजनेस एनालिस्ट के साथ बैठता है, वो इस पे डिस्कस करता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करती है, करते हैं। आपका जो बिजनेस एनालिस्ट है वो टीम के साथ डिस्कस करता है। अच्छा, एजाइल में ना सबसे अच्छी चीज क्या होती है, जो एक मेन डिफरेंस भी आपका वाटरफॉल और एजाइल में, कि वाटरफॉल में ना आप क्या करते हो कि जब आप ये एस्टिमेशन दे रहे होते हो और ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग सेशन हो रहे होते हैं, इसमें ना अच्छा, डेवलपर्स जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं होता, मतलब डेवलपमेंट टीम आपकी इन्वॉल्व नहीं होती। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज, एक मिनट, आई जस्ट हैड कॉल। जी, सलाम अलैकुम। हाँ जी, सॉरी, तो जी हमारी जी बात हो रही थी कि हाँ जी, तो अच्छा इसमें ये डिफरेंस है कि जब हम एस्टिमेशंस करते हैं, लाइक रिक्वायरमेंट्स तो हमारे आप पास कहने आ गई, वाले, हाँ हाँ, तो वाटरफॉल में जो है ना डेवलपर्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है, ना टेस्टर की, ना यूआई यूएक्स की। अच्छा, लेकिन जब हम एजाइल में ये चीज करते हैं ना, तो हम कस्टमर को एस्टिमेशंस देने से पहले अपनी टेक्निकल लीड हो गए, डिजाइनर का कोई लीड हो गया, QA लीड हो गया, उससे हम इसकी एफर्ट्स डिस्कस करते हैं कि यार ये एक चीज बनानी है, इसमें बैकएंड में कितनी एफर्ट्स होगी, इसकी फ्रंट एंड में कितनी एफर्ट्स होगी, इसकी यूआई यूएक्स में कितना टाइम लगेगा, इसके वायर फ्रेमिंग या प्रोटोटाइप जो भी है उसमें कितना टाइम लगेगा, इसकी टेस्ट केसेस में कितना टाइम लगेगा, इसकी ऑटोमेशन होगी, मैनुअल होगा, क्या होगा, तो ये सब हम उसको इन्वॉल्व करते हैं। एजाइल में जो है ना आपकी पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, अच्छा, और अगर आप वाटरफॉल कर रहे हो तो बिजनेस एनालिस्ट ने रिक्वायरमेंट्स ली, डिस्कवरी सेशंस किए, वहीं रिक्वायरमेंट्स लॉक कराई, वहां ले जाकर फिर दे दी डेवलपर्स को कि भाई ये रही तुम्हारी रिक्वायरमेंट, तुम्हें ये बनाना है। तो ये डिफरेंस होता है। अच्छा, इसमें जैसे हम, जैसे आपने इसमें बताया यूआई यूएक्स हो गया, वाई फ्रेम हो गया, तो जब हम इसमें इसमें बेसिकली एक आर्किटेक्चर हो गया, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं, मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है कि जी ट्रैवल गाइड ऐप है, तो मैं ट्रैवल गाइड ऐप को जो है मैं फ्रंट एंड पे जो है मैं वेब बेस्ड टूल्स यूज कर रहा हूँ, और बैक एंड पे जो है वो मैं कोई डेटाबेस यूज कर रहा हूँ जो कि डेबिट टू राइट और इस तरह का है, और मतलब ओरेकल का डेटाबेस है, और फ्रंट एंड जो है वो मैं जावा यूज कर रहा हूँ,
सही है ठीक है, तो ये क्या आप कस्टमर से शेयर कर रहे होते कि मेरी जो मेरा आर्किटेक्चर है, यानी कि मेरा मैं फर्स्ट में जावा यूज कर रहा हूँ, तो मेरी क्या कॉस्ट आ रही है, नहीं मेरा नहीं क्लाइंट नहीं है ये जो हम वो क्लाइंट कस्टमर कह से रहा है क्यों कि शेयर करेंगे? अब देखिए ना, अब आप एक चीज बना रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें APIs में आपको जावा सर्विसेज की नीड है, तो अभी कस्टमर को थोड़ी बताओगे कस्टमर मुझे जो है ना इसमें जावा सर्विसेज की नीड है या ये है। कस्टमर का काम क्या है? उसने को एप्लीकेशन बनाना है। अब बैकएंड पे कितना काम है, फ्रंट एंड पे कितना काम है, या अपनी इंटरनल एफर्ट्स एस्टिमेट करके फिर आप कस्टमर को देते हो? नहीं, मतलब फर्स्ट फॉर फॉर इंस्टेंस के जी, अगर मेरा जो हम ये कस्टमर से शेयर नहीं करेंगे, मैं जावा और ओरेकल यूज कर रहा हूँ, तो उसकी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या होगी? देन आइदर मैं कोई ऐसा डेटाबेस यूज कर रहा हूँ या सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जो जिसकी कॉस्टिंग जो है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर हैं वो कॉस्टिंग कम है, तो डेफिनेटली मेरे ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो वही इम्पैक्ट मैं कस्टमर को शेयर कर रहा हूँ कि अगर मैं एक लो बजट पे लो एंड सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, मैं और एक की जगह मैं कोई और टूल यूज कर लेता हूँ या और कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लेता हूँ, तो डेफिनेटली मेरी जो कॉस्टिंग है वो डिफरेंट है, और जो वो कॉस्ट है डिफरेंट है। अब उस आर्किटेक्चर को मैंने ध्यान में रखना है कि मेरे ट्रैवल गाइड के ऊपर कितने कस्टमर आने वाले हैं, ऐसा ही है। क्योंकि ये मैं कस्टमर से डिस्कस करूंगा कि जी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि आपके पास क्या डेटाबेस होना चाहिए, कितना कस्टमर आएगा जो आके आपके पास रजिस्टर होने वाला है, 1,000 है, 10,000 है, या लाख है, या अगर कोई बड़ी वेबसाइट है और वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जी 10 लाख का मेरा वो है, 1 मिलियन 2 मिलियन का मेरा कस्टमर बेस्ड होगा, तो डेफिनेटली मेरा आर्किटेक्चर और सोल्यूशन बिल्कुल डिफरेंट होंगे एज ऐसा कम्पेयर ही है। टू एक मीडियम और स्मॉल बेस्ड आर्किटेक्ट कंपनीज को जो मैं प्रोडक्ट वो कर रहा हूँ। तो मैं एक वैसे बात कह रहा था कि ये जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की जो टीम होती है कि जी हम क्या अडॉप्ट करेंगे, किस साइज के प्रोजेक्ट पे हम काम करने जा रहे हैं, ये इंटरनल तो है ही, मेरी बात आप समझिए कि मैं इंटरनली हमारी टीम में जो टेक्निकल लीड्स हैं, ये जो आप कहते हो कि जी जो आपकी सीनियर वहाँ पे मैनेजमेंट है जो इस कंपनी की है, जो ABC कंपनी है, तो बेसिकली प्रोजेक्ट्स बना के डिलीवर करती है IT बेस्ड, तो वो अपने एंड पे जब ये चीजें देख रही होती है तो उसके क्या मेन कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्या वो जहन में रखते हैं कि जी हम ये कॉस्टिंग आगे या टूल्स आगे शेयर कर रहे हैं, तो क्या वो कस्टमर इतना वो है क्या कहते हैं लिटरेट कि वो समझ पाएगा कि जी मैं उससे क्या बात कर रहा हूँ, या ये बात आप कहती हैं ये करते हैं क्या, मतलब आपका क्या एक्सपोजर या एक्सपीरियंस है ये अजाइल और स्क्रम इस पे क्या कहते हैं? देखिए इसमें जो मैंने अभी वाटरफॉल का आप एग्जाम्पल लें, तो इसमें ना क्या होता है कि जैसे एक बैंक की आप एप्लीकेशन बना रहे हो ना, तो इसमें जो है ना एक पूरा आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट बनता है। सही है कि किस कौन सा हार्डवेयर आपके यूज हो रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं आप, कौन सा, अब जैसे अच्छा ये इंटरनल जो जैसे जीरा वगैरह हो गया इसकी कोई नहीं होती कि आप अपने क्लाइंट को बता रहे हो, बट हाँ ये जो जावा वाला आप ये बात कर रहे हो ना, ये चीज आप क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हो, क्लाइंट आपसे कम्युनिकेट करता है कि वो लोग क्या यूज कर रहे हैं और आप क्या यूज कर रहे हो, ये दोनों आपस में आप कम्युनिकेट करते हो, उसके अकॉर्डिंगली फिर कॉस्ट एस्टिमेशन होती है। और एजाइल में भी ऐसे ही होता है कि जब आप कस्टमर के साथ रिक्वायरमेंट्स लेने बैठते हो, आपके जो सेशंस होते हैं, रोड मैप जब बनता है आपका, रिलीज प्लान जब बनते हैं, तो आप ये सब क्लाइंट से डिस्कस करते हो और उसके अकॉर्डिंगली ही फिर आप एफर्ट्स देते हो अपनी। ठीक जैसा है, आप ओरेकल यूज कर रहे हो, आप EPM यूज कर रहे हो, आपका कोई दूसरा सिस्टम है, आप SAP यूज कर रहे हो। सही है। तो बेसिकली आपकी जो है ना, यू कैन से कि एजाइल में ना आपकी सबसे अच्छी एक चीज जो मुझे लगती है ना कि आपकी पूरी टीम इन्वॉल्व होती है ओवरऑल प्रोजेक्ट में। वाटरफॉल इज लाइक सच अ मैसी प्रोसेस, सच अ मैसी प्रोसेस, अच्छा बिकॉज मैंने वाटरफॉल पे कभी काम किया नहीं था, बट इन दिस माय जॉब मैंने वाटरफॉल में काम किया, बट दिस इज डिजास्टर। मैंने लास्ट लाइक TPS में आई हैव वर्क्ड इन एजाइल एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन लाइक वाटरफॉल। अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेक्स्ट जॉब है, बट इट्स एजाइल मैनेजर, तो वो है ही कंप्लीटली एजाइल। अच्छा तो लाइक मतलब वॉट, ऐसा, हाँ अच्छा जी सॉरी, जैसे आप ये आप कह रहे हो अभी जो नेक्स्ट आपकी जॉब है वो एजाइल मैनेजर की है, तो ऐसा ही जिस है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप जा रही है तो वहां पे एजाइल की ऑलरेडी मतलब डेवलपमेंट्स हैं, एग्जैक्टली एजाइल आपने टीम गैरी है टेक का नाम सुना होगा, राइट? जेरी टेक, बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ जो
वो है सॉफ्टवेयर क्या हाउस, कहते हैं, अच्छा, सॉफ्टवेयर सही हाउस. तो सही सही बिल्कुल। लाइक दे आर वर्किंग ऑन एजाइल कम्प्लीटली, बिकॉज मेरा जो एक इंटरव्यू हुआ था, इट्स उनके उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, राइट? तो उनके बाहर होते हैं, ही इज द डायरेक्टर, वो पॉल, मिस्टर पॉल. सो एंड लिटरली दे आर कम्प्लीटली फॉलोइंग एजाइल, के वाटरफॉल अप्रोच है ही नहीं. तो आई वॉज बिट वेरी इम्प्रेस कि यार, मतलब बिकॉज आई हैव वर्क फॉर लाइक एयर इन वाटरफॉल, एंड वाटरफॉल में जो है ना, बिकॉज जब प्रोजेक्ट क्लोजर पे आता है ना, इट वुड बी डिजास्टर वाटरफॉल में. आपकी कोई आपकी चेंजेस आ रही होती हैं, आपकी प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं हो रही होती, टाइम कम होता है, अच्छा रिसोर्सेस इसमें से फ्रस्ट्रेट एक हो और, जाती हैं. हाँ अच्छा, और एक और चीज मुझे अभी इसमें ये आई कि जैसे टाइम टाइम टू टाइम डेवलपमेंट्स आ रही हैं आईटी बेस्ड इंडस्ट्री में, और इसमें तो अभी क्या इज इट मतलब वर्थ के जी कंपनीज जो हैं वो स्टिल वाटरफॉल पे रहें, जो मुझे ये लग रहा है कि आने वाला वक्त तो जो है वो इतना जिसे कहते हैं कि एक शायद आपने वो वर्ड सुना होगा काइजन जो है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जैपनीज जो सही है, टेक्नोलॉजी ऐसा यूज ही है. करते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड है, तो ये बेसिकली जो मुझे समझ में आया एजाइल जो है वो बेसिकली अडॉप्ट करती है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को, ऐसा इसका ही है, फोकस बिल्कुल ये ऐसा ही नहीं, है. एजाइल बेसिकली कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वो आपको दे रहा है कि जी आज मैंने आपको कहा कि जी ये दो बटन्स हैं और ये मेरे फीचर्स हैं, ये मेरी फील्ड्स हैं और ये ऐसे आपको रिजल्ट देंगी, देन अगर मेरा डेवलपर बैठा है, मेरी टीम बैठी है और देखती है कि जी इसको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका टाइम, इसका प्रोसेस, इसकी फील्ड्स की लेंथ लाइन, और वो चीज मैं अगर एक लेटेस्ट उस पे टूल्स पे अपडेट कर रहा हूँ कि जी वो कितना प्रोसेस आएगा, वो मेरी फील्ड को कैसे कस्टमर जो है मिनिमम जो है उस इनपुट पे मैक्सिमम रिजल्ट्स ले ले, मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम फीचर्स वो और फील्ड देख रहे हैं, उस स्क्रीन पे वो मिनिमम टाइम पे रहे और मैक्सिमम आउटपुट उसको मिल जाएगा, एक स्क्रीन पे आ रहा है तो फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि जी वो छह चीजें दिखता है और वो छह चीजें चाहता है कि मैं एक स्क्रीन पे पिक करके मैं अपने रिजल्ट को फाइनलाइज कर लूँ, तो ये चीजें जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट यानी कि जो फीचर्स हम एम्बेड कर रहे हैं उसमें अपनी प्रोडक्ट्स में, उनको हम डिलीवर कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में चाहे वो मेरा मेरा कोड बैंकिंग एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर हो, चाहे मेरा कोई रिसेंट एप्स हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कस्टमर के लिए जो है वो टाइम इम्पोर्टेंट है, वो चाहता है कि मुझे मिनिमम टाइम है मैक्सिमाइज आउटपुट मिल जाए, चाहे वो डिस्काउंट्स हैं, चाहे वो कोई फीचर्स अवेल करना चाह रहा हूँ, या मैं कोई प्रोडक्ट की नॉलेज लेना चाह रहा हूँ, चाहे मैं कहता हूँ कि जी मैं आप कहते हैं कि जी हम एक अजाइल की ऐप ही बनाते हैं जिससे आगे कस्टमर जो है ये स्टूडेंट जो है वो सीख लें, तो मैं देखूंगा कि यार स्टूडेंट के पास वो ये चाहता है कि वो इतनी यूजर फ्रेंडली हो कि वो एक क्लिक पे, जैसे आपने सुना होगा फ्लैश कार्ड्स हैं, अब मैं कार्ड स्वैप कर रहा हूँ मगर वो कार्ड इतने हो कि मैं एक एक स्लाइड एक एक कार्ड पे जब मैं थ्रो कर रहा हूँ तो उस कार्ड से मैंने कितनी इन्फॉर्मेशन गेट कर ली, अब आज के दिन में जो कार्ड्स का कॉन्सेप्ट है और आप क्या समझते हैं कि 3-4 साल बाद कार्ड्स का कॉन्सेप्ट है वो और कैसे इम्प्रूव होगा, क्या एक ही स्क्रीन पे मैं दो कार्ड ऐड कर दूं, चार कार्ड ऐड कर दूं, उन चार कार्ड में मैं उन चीज चार फीचर्स को लिंक कर दूं कि जी एजाइल जो है इटरेटिव भी है, उसमें टाइम बॉक्स एक्टिविटी भी है, वो जो है वो सेव कर रहा है, तो अभी मैं अगर एक ऐप पे जाता हूँ मैं देखता हूँ कि यार एक कार्ड पे आया कि जी एजाइल क्या है, टाइम बॉक्स है, टाइम सेविंग है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, और ये बेसिक चीजें हैं, मेरी बात आप समझी कि मतलब छोटी सी एग्जांपल से मैं वो कर रहा हूँ कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हम अगे एक फ्रेश कार्ड है उसमें भी हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो बड़ी बड़ी चीजों में तो आप सोचो कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो लेकिन सकते जो हैं। आगे आने वाला फ्यूचर है ना, अभी क्या हुआ है देखें, अभी ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एजाइल, लेकिन कम्प्लीटली तो पूरी दुनिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो होल एंड सोल एजाइल कर रही हो. तो मोस्टली क्या होता है, हाइब्रिड में चल रही होती है. बट अब जो है ना, जैसे पाकिस्तान में, ओवरऑल द वर्ल्ड, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड एजाइल, वर्किंग एजाइल, बट मोस्टली इन सॉफ्टवेयर कंपनीज. बिल्कुल अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाओगे, ठीक है, आपको ये
आर्किटेक्चर उठा लो, कुछ कर लो, आपको उसमें आपको एजाइल नहीं पता होगा. वो मुझे किस तरह से आइडिया हुआ, बिकॉज व्हेन आई एम डूइंग माय मास्टर्स, तो मेरे पास जो है ना डिफरेंट फील्ड्स के लोग हैं, तो दे सेड कि अच्छा जब मेरे पास एजाइल का टॉपिक आता है ना, तो मैं कहती हूँ ओके आई हैव अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट एजाइल. बट जो और मेरे कलीग्स है ना, दे सेड ओके व्हाट इज एजाइल, क्या होता है एजाइल में, उनको पता ही नहीं होता. दे इवन डोंट नो, और उनको अभी तक समझ ही नहीं आता कि यार एजाइल क्या है, हमें क्यों नहीं समझ आ रहा है एजाइल, क्योंकि उनके उनके यहाँ सिर्फ वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनके यहाँ यूज ही नहीं होता. जी और हमारे साथ क्या है कि हम साथ में पढ़ भी रहे हैं और चीज को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं. वी नो अबाउट द स्क्रम सेरेमनीज, राइट? वी नो अबाउट स्क्रम के कौन कौन से रोल्स होते हैं, उसके क्या आर्टिफैक्ट्स होते हैं, किस तरह से हम एजाइल हम फॉलो कराते हैं, उसमें कौन कौन सी एस्टिमेशन टेक्निक्स होती हैं, किस तरह हम स्टोरी पॉइंट एस्टिमेशन करते हैं. सो दीज आर सम थिंग्स के आप जो है ना, आप वो लोग उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते. बिकॉज देखो, आप एक थ्योरी पढ़ लोगे, फिर आपको लेकिन उसको प्रैक्टिस भी तो करनी, रियल ठीक है? आप रियल सिर्फ लाइफ थ्योरी में एग्जैक्टली. अब देखो, आप जो अपने मास्टर वो उसमें पढ़ते हैं बैचलर्स में या उसमें, तो आपको वो चीज जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इम्प्लीमेंट होती नहीं है, आपको पता ही नहीं होता. आपने कहता है यार मैंने पढ़ा था बैचलर्स में, बेकार हो गया बिकॉज इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ. हाँ, अब ये जो आप जब मैं बात करता हूँ आपसे और ये सारी चीजें डिस्कस करता हूँ, तो आपको खुद ही एक थोड़ा सा फील आता होगा कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे प्रोजेक्ट्स में रहा हूँ जहाँ पे जैसे नेशनल बैंक है, उसके अंदर पूरी जो उन्होंने कोर बैंकिंग इम्प्लीमेंट की, उसने क्या किया कि मेरी जो 1300 ब्रांचेस है उसको एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर दिया। अगर आपको ये पता हो कि बैकग्राउंड के कोर बैंकिंग एप्लीकेशन किसी भी जब डिप्लॉयमेंट हो रही होती है, तो वो एक स्टार्टिंग वर्जन देके कंपनी को और बैंक को वो करता है कि जी ये बेस्ट है, यही है, यही सब कुछ है, सबसे अच्छा यही है और इसी को आप चलाएं। अच्छा, जब वो कस्टमर उसको ले लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, तो वो कहते हैं कि जी अब आप ये तो यूज कर रहे हैं, मगर नेक्स्ट फेज में इससे अच्छा सॉफ्टवेयर हम आपको इसी का रिलीज एक अच्छा वर्जन देते हैं। ऐसा ही होता है. देखिए, ये जो एजाइल ना हम रिलीजेस पे चलाते हैं, ठीक है? हमने कहा कि एजाइल जो है ना, हमने एक रिलीज दे दी, फिर अच्छा उससे भी ना आपकी अर्निंग हो रही होती है. एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ जी. अच्छा देखिए, अब क्या होता है कि जब हम जहाँ एजाइल फॉलो करते हैं ना, वहाँ हम डिफरेंट रिलीजेस देते हैं. उस की एक रिलीज चली गई, ठीक है, जो आपने कहा था जितना आपका हुआ, फिर आपने उसमें हम क्या करते हैं कि हमने एज अ चाहे वो वाटर अच्छा वाटरफॉल में हम चेंजेस पे अर्न कर रहे होते, चेंज रिक्वेस्ट पे क्या होता है कि आपने जो है ना कस्टमर को ना साथ में, बिजनेस क्या होता है, आप साथ में कस्टमर को एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपको बताते रहते हो कि यार देखो अभी तुमने ये यूआई यूएक्स बनाया, अब ना ट्रेंड चेंज हो गया है, तो आप अपना आप इसको रीब्रांड करवाओ, आप इसमें ये फीचर भी लेकर आओ. वर्ल्ड वाइड ये चल रहा होता है, ये चल रहा है, आप कस्टमर को ना छोड़ते नहीं हो. बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन थी अफ्रीका की, ठीक है, इथोपिया की बेसिकली. अब वो प्रोजेक्ट मेरा इस महीने क्लोज हो रहा है, बट हमारी प्रिडिक्शन क्या है कि वो क्लाइंट जो है ना हमारे पास अभी पूरा साल रहेगा, बिकॉज हमने उसको ये बताया कि यार आप ये भी करा सकते हो, आप ये भी करा सकते हो, ये वर्ल्ड वाइड बैंक में चल रहा है, ये अमेरिका के बैंक में ये फीचर चल रहा है, आप इस तरह से उसकी रिब्रांडिंग कर सकते हो. तो हमारे पास चेंज रिक्वेस्ट आ रही है कंटिन्यूसली, एंड फॉर द चेंज रिक्वेस्ट ऑब्वियसली आप एक एस्टिमेशन देते हो, आप एक बताते हो, तो आपका पूरा ये मतलब टाइम ना आपके पास ही रहता है. एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप बिजनेस को ये क्या होता है कि आप एक इससे ना आपको क्या होता है कि आपकी एडिशनल अर्निंग, क्योंकि एक एक चेंज रिक्वेस्ट की यू हैव नो आइडिया कि कितनी कॉस्ट होती है. इवन बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी हैं जो सिर्फ चली चेंज रिक्वेस्ट पे रही हैं सॉफ्टवेयर में, बिल्कुल तो एक एक चेंज रिक्वेस्ट की जो है ना इनकी अच्छी खासी अर्निंग होती है.
ये तो है. So let me share the slide. yes. अच्छा, हमने डिसएडवांटेज, हमने वाटरफॉल वर्सेस एजाइल पढ़ लिया था. हाँ पढ़ लिया था, ये वाली चीज तो सही है. अच्छा अब इसका एक है एजाइल मैनिफेस्टो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना एजाइल में, बिकॉज आप समझो कि एजाइल जो है ना इन्हीं चार वैल्यूज पे पूरा घूम रहा है. जब आप कहते हो ना एजाइल इज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, तो इसका क्या पर्पस होता है कि एजाइल के ना कोई भी आज तक स्टैंडर्ड्स नहीं सेट हुए. एजाइल के टाइम के साथ साथ स्टैंडर्ड चेंज होते रहते हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो मतलब एजाइल को अपने वे में इम्प्रूव कर रही है. तो ये अच्छा, अब आप सबसे पहला जो है ना इसका आप, अच्छा इसमें एक क्या चीज है, एक आपको राइट हैंड साइड पे चीजें नजर आ रही है, एक आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चीजें नजर आ रही है. सही. ठीक है, तो इसमें क्या है जो राइट हैंड साइड वाली चीज है ना, ये मोर प्रोडक्टिव है, मतलब ये समझ लो ये इसमें ताकत ज्यादा होती है. बट ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली अच्छा चीज है ना, ये आपको वैल्यू ज्यादा देती है. अच्छा ये जो लेफ्ट पे, समझे. मतलब जैसे राइट हैंड पे जैसे फॉर इंस्टेंस के ओवर प्रोसेस एंड टूल्स जो है हाँ वो जो राइट साइड है वो आप कहेंगे कि ज्यादा इफेक्टिव आप समझ लो एक ज्यादा है. पावरफुल होता है, ठीक है. लेकिन आपकी जो वैल्यू है ना वो आपको देती है लेफ्ट साइड वाली. जो वैल्यू है अच्छा वो लेफ्ट साइड वाली है. बिकॉज इसका मैनिफेस्टो का पर्पस क्या होता है, ये आपको ना क्वालिटी डिलीवर करता है. यू नो दे जस्ट गिव द वैल्यू बाय यू कैन से बाय क्रिएटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को ना मतलब मीट करता है, आपकी जो कस्टमर की ठीक है. एक्सपेक्टेशन है ना उनको सेटिस्फाई करता है कि यार सही है. ये जो है ना आपकी जो कस्टमर की वैल्यू, क्योंकि आपका कस्टमर एजाइल में कंटिन्यूअसली इंगेज रहता है. आप देखो जैसे फर्स्ट वन ही इस चीज की एग्जांपल है कि इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल्स. इसका क्या मकसद होता है कि आप जो है ना डिफरेंट प्रोसेस यूज करना, कि नहीं यार पहले जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाएगी चीज, और फिर जो है वो प्रोग्राम मैनेजर के पास एस्केलेट होगा, फिर जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर के पास एस्केलेट होगा. आप एक्सेल शीट्स बना रहे हो, ये कर रहे हो, ये आप ईमेल्स कर रहे हो, नहीं. एजाइल क्या कहता है कि भाई आप इंडिविजुअल इंटरेक्शन करो, आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करो. आपको कोई प्रॉब्लम है, जस्ट पिकअप योर फोन, गिव अ कॉल टू योर कस्टमर, टू योर टीम मेंबर, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दो. आप जितना फ्रीक्वेंटली आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो ना, आप उसको वो प्रमोट करता है. बिकॉज देखो आपने एक ईमेल करी, वहां से आया थोड़ी देर बाद रिप्लाई, उनको चीज क्लियर नहीं है, फिर हमने दूसरा एक स्क्रीन शॉट लेकर भेजा, फिर उन्होंने अपने पास चेक किया, वो एक ईमेल थ्रेड ही चलता रहता है. मतलब यू कैन से जो हमारे पास लास्ट डिकेड्स में ना, या लास्ट मतलब पास्ट में जितने भी सॉफ्टवेयर टीम्स होती है ना, दे जस्ट कंसंट्रेट ऑन यू कैन नो हैविंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस टूल्स और प्रोसेस विद यू कैन से कि इससे एक सॉफ्टवेयर बन जाए. बट एजाइल मैनिफेस्टो ने क्या सजेस्ट किया कि आप जो है ना इंडिविजुअल पीपल से इंटरेक्ट करो बिहाइंड प्रोसेस और टूल्स को यूज करने से. बिकॉज आपके पास जब राइट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा ना, वो आपको बहुत क्विकली बहुत ऑन टाइम सजेशन देते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है फौरन. बिकॉज अगर आपके पास प्रोसेस तो है, आप देखो ना आपके पास एक समझ लो कि प्रोसेस टूल्स है, लेकिन आपको वो प्रोसेस टूल्स यूज ही नहीं करना आता, तो क्या प्रोडक्टिविटी होगी, इसमें क्या वैल्यू एड होगी. आप उस टूल को घुमाए जा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यार मैं एक एक्सेल शीट जो है ना वो क्रिएट करूं, किसी को एक्सेल यूज करना नहीं आता प्रॉपरली, उसमें फॉर्म नहीं लगा आता, फॉर्मूला लगाना या कुछ करना, वो गया कि भाई उसने जाकर बताया कि यार ये प्रॉब्लम है मुझे बता दो, उसने कॉल करी. मतलब यू कैन से कि आपकी जो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन होती है ना, वो बहुत प्रमोट करता है आपका एजाइल. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आपने इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि आपने जो है ना, अच्छा एक आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, उसमें एक फीचर है, उसमें आपने एक एस्टिमेशन लेनी है,
आपने अपनी टीम को बिठाया एजाइल में, आपने उन हर टीम से जो है ना उसमें अच्छा जूनियर्स भी हैं, हेलो, जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। उसमें जूनियर्स भी हैं, उसमें सीनियर्स भी हैं, आपके टीम लीड्स भी हैं, उसमें डेवलपमेंट मैनेजर भी है और उसमें मिड लेवल भी है। आपने सबसे ठीक है, एस्टिमेशंस ली, आप किसी ने अपने एक्सपीरियंस से कहा कि यार 2 दिन, किसी ने बोला 4 दिन, किसी ने बोला 3 दिन, अच्छा जो सबसे लीस्ट होता है ना, अब किसी ने बोला 6 दिन, अब आप 6 दिन वालों से पूछोगे कि यार वाई 6 days। इससे क्या होता है कि जितने टीम में लोग हैं ना मतलब उसी पोस्ट डिप्लॉयड, की, मतलब वो स्लैब। हेलो, जितने आपके लोग हैं ना आपकी टीम में, इससे क्या होता है दे एबल टू कम्युनिकेट, अदरवाइज क्या होता है कि बहुत आपके ना साइलेंट मेंबर्स होता है कि कुछ लोग तो बोल रहे होते हैं बट सम पीपल आर जस्ट लाइक कीप क्वाइट एंड डू देयर वर्क एंड कम एंड जो उनको हाँ काम असाइन कर दिया जाता है बस वो करके चले जाते हैं, दे डोंट इंटरेक्ट, दे डोंट टॉक टू देम टू अदर टीम मेंबर, दे डोंट कम्युनिकेट प्रॉपरली, वो एक कम्युनिकेशन गैप रहता है। तो इस मैनिफेस्टो से ना जो फर्स्ट वाला है, इससे जो आपके कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं ना बिटवीन द टीम मेंबर्स इवन, वो आपके रिमूव हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम आई आप उसने अराइज हुई आपकी बिटवीन द प्रोजेक्ट बिटवीन द स्प्रिंट्स, आपने साथ बैठे आपने उसको सॉल्व किया खत्म किया, आपके कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ रहे हैं। मैं क्या कर रही थी, मेरे पास जब स्क्रम, मैं एज ए स्क्रम मास्टर थी, मेरे पास लोगों के कॉन्फ्लिक्ट आते थे, मैं कहती थी मैं उसको दूसरे को, मैं क्यूए के और डेवलपर्स के मोस्टली आते थे, मैं उनको भी बुलाती थी, मैं उसको भी बुलाती थी, मैं कहती थी बैठो मेरे सामने बात करो, यहीं पे इसी रूम में लड़ो झगड़ो जो डिस्कस करना करो, बट इस रूम से जब बाहर जाओ ना तो उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट हमारा रहना नहीं चाहिए, वो उस वक्त तक रिजोल्व हो जाना चाहिए। तो आपस में वो एक ही टेबल पे वो बैठ के अपना सजेशन देता था, वो अपना सजेशन देता था, तो वो आपस में जब ये लोग की मतलब चीजें आती थी ना तो उससे आपको वहां पे ना आपको कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, चीजें अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ यार ये अंडरस्टैंडिंग थी, ये मसला था, ये वो खत्म। अब एक वो ईमेल कर रहा है, वो उसको एस्केलेट कर रहा है, वो पूरी दुनिया को रख के पूरे ऑफिस में जितने लोग हैं उसको सीसी में रखकर ईमेल कर दी, वहां से एक और मसला हो गया, वो आपको पता है जब हायर की चेंजेस साइकिल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, फिर उसमें बड़े मसले होते हैं कि आप एक मैनेजर को रख रहे हो, फिर उसकी रेपुटेशन कुछ गई, बिकॉज उस प्रॉब्लम की डिटेल ना उस बंदे को नहीं पता होती जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, जो आपके जूनियर लोग होते हैं ना उनको पता होता है बिकॉज दे आर टैकलिंग एवरी डे, जो आपके सीनियर मेंबर्स होते हैं दे जस्ट कम एंड ओवरऑल स्ट्रेटजीज बनाई, ओवरऑल स्टेटस लिया, दे जस्ट गो, दे डोंट गो इन द डीप नॉलेज ऑफ एनी प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने हायर किए हुए ना दूसरे लोग, उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोग्राम मैनेजर किस लिए हायर किया हुआ अगर उन्हें ही सब कुछ करना है। अब मतलब उसमें डिफरेंस ये आ रहा है जो मुझे लग रहा है कि जी, मतलब जब हम जो हैंड्स ऑन कर रहा है, जो स्टाफ नीचे बैठा है वो हैंड्स ऑन कर रहा है, उसको इश्यू जो अराइज होता है वो कस्टमर को फेस भी कर रहा है, तो वो अच्छा फीडबैक देगा एज कम्पेयर टू एक सीनियर मैनेजर जो ऑपरेशंस का बैठा हुआ है, जिसको पता है कि हाँ भाई ऑपरेशन में ये चीजें होनी चाहिए। मगर जो एक लाइव स्ट्रीम में एक्टिविटी कर रहा है, जो ऑफिस किस तरफ बैठा है, सामने कस्टमर आता है और वो जो इनपुट उससे लेता है या वो फीडबैक उसको दे रहा होता है, वो ये एज कम्पेयर टू वो सीनियर मैनेजर जो है वो इतना, जिसे कहते हैं, इक्विप नहीं होगा कि वो आपको अच्छा फीडबैक दे सके। ये देखिए पता है क्या होता है, अब मैं जैसे एक एग्जांपल जो मैंने एक पर्सनली ऑब्जर्व किया है, जैसे एक मैंने एक मेरा एक टीम मेंबर था, ही इज आल्सो द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ द कंपनी, एक मिनट, हाँ, तो उस वो क्या करता था, एक होते हैं आपके, अच्छा हमारा क्या था, डायरेक्टर थे, पोर्टफोलियो मैनेजर, देन प्रोग्राम मैनेजर, देन प्रोजेक्ट मैनेजर। अब वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही इज वाज बिट फ्रेश, मतलब उसने पहले एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम किया था, देन उसका एक्सपीरियंस और ये प्रोजेक्ट मैनेजर में आया, अच्छा उसको एक मेगा प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है, ही क्लियरली टोल्ड ना कि यार आप मुझे दे दो रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट बट आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, और उस प्रोजेक्ट में फ्रेश रिसोर्सेज दे दी, लाइक ट्रेनीज उठा के दे दिए, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन टेमिनोस प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने बहुत मेहनत की, आई जस्ट रियलाइज कि मैंने उसकी मेहनत देखी है, पीपल लाइक एविडेंट है कि यार उस बंदे ने बहुत मेहनत की, बट यू नो द ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑल। अच्छा अब उसके जो मैनेजर हैं प्रोग्राम मैनेजर और वी कैन से पोर्टफोलियो मैनेजर, वो जो है ना दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम विद दैट पर्सन। अब वो जब ऊपर डायरेक्टर लेवल के पास जाते हैं ना तो उसकी परफॉर्मेंस का फीडबैक ही नहीं दे रहे,
अब उनके पास क्या जा रहा है ऊपर मैनेजमेंट के पास कि यार ही इज नॉट वर्किंग, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है. बट जब वो खुद जाकर उसने एक दफा बात करी कि यार ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसको पता चला कि यार उसका फीडबैक तो ये जा रहा है. फिर उसने सारे मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया कि देखें, वो ना मैनेजमेंट का भी पर्सपेक्टिव सही था कि भाई हमने लोग इसलिए रखे हुए ताकि हमें ओवरऑल उनको सेल्स लानी होती है, उनको अपनी स्ट्रेटेजाइज करना होता है कंपनी को. अगर उन्होंने ये सब छोटी छोटी चीजें देखनी होती है तो वो बाकी लोगों को हायर क्यों करेंगे. तो ये खैर कुछ कंपनीज का बहुत वर्स्ट कल्चर है जो मैंने ऑब्जर्व किया, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस बंदे पे कि यार ही वर्क सो हार्ड, और फिर इस तरह से आप करो ना तो एक अफसोस होता है. तो इस तरह की जो होती है ना चीजें, कि मैनेजमेंट जो होती है ना, हायर मैनेजमेंट, उनको नहीं पता होता कंपनी में इंटरनली बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है. अब जैसे अगर मैं हूंगी ना एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, मुझे पता होगा कि यार प्रोजेक्ट के इन्स एंड आउट्स क्या है, ये चीज प्रोजेक्ट में थी, अच्छा ये रिस्क आए थे, ये चीजें थी, इस टाइम कस्टमर ने इसका रिस्पॉन्ड नहीं किया था, ये चेंज लाया था कस्टमर. बट मेरा जो डायरेक्टर होंगे ना, उनको नहीं पता होगा, बिकॉज वो आते हैं हफ्ते में एक दफा, मीटिंग करते हैं, स्टेटस लेते हैं, चले जाते हैं. बट डे टू डे तो मैं उसको डील कर रही हूँ ना. तो आपकी जो इंडिविजुअल इंटरेक्शन है ना, एजाइल प्रमोट्स प्रमोट्स इट अलॉट, कि आप फेस टू फेस कम्युनिकेट. इसका ये प्रिंसिपल भी है इसमें एजाइल जैसे का. कि ओवर क्या जी जी बोले. नहीं आप कहते हैं जल्दी प्रिंसिपल क्या है एजाइल मतलब वन ऑफ द प्रिंसिपल्स में ना एजाइल का, ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन. सही। अब इसमें जो मतलब जैसे इसमें सेकंड फर्स्ट पॉइंट हमने कवर किया कि जी ओवर प्रोसेस एंड टूल्स ये और लेफ्ट साइड पे है इंडिविजुअल इंटरेक्शन। इंडिविजुअल इंटरेक्शन से मतलब वो हुआ जो भी पूरा आपने बताया कि मैक्सिमम हम इनपुट लेते हैं इन्वॉल्वमेंट रखते हैं कस्टमर की ताकि वो हमें फीडबैक मिल सके टाइमली और हम उसको डिलीवर कर सकें। एग्जैक्टली आपकी जो है ना वो ईमेल थ्रेड्स और ये सब चीजें नहीं होती उसमें. नाउ आप इसे जो है ना इसको ज्यादा वो नहीं करते, आप प्रमोट करते हो कि आप टाइम के, यार आपको प्रॉब्लम है, आप गए, आपने डिस्कस किया, बात खत्म हो गई. सही। अब इसमें सेकंड पॉइंट था कि जी ओवर कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जी जो एजाइल है वो कहता है कि इतना इन डेप्थ डिटेल ओवर डॉक्यूमेंटेशन में ना जाओ, उसके अच्छा देखिए अगेंस्ट इसमें वर्किंग क्या होता सॉफ्टवेयर है. बना। हाँ इसमें यही होता है कि देखिए वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, कि प्रीवियसली जो है ना जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, दे स्पेंड एजेस, लाइक मंथ्स आप गुजार देते थे क्रिएटिंग डिटेल डॉक्यूमेंटेशंस. ठीक है, लाइक राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड यू कैन से, और फिर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन करो, ये करना है आपको, FS डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, एक बड़ी लंबी चौड़ी इनकी एक बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन होती है वाटरफॉल में. बट एजाइल ने क्या प्रमोट किया, देयर कम्स अ पॉइंट कि दे शुड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द कस्टमर द वर्किंग सॉफ्टवेयर ना, कि आप एक उसको वर्क करता हुआ चीज दिखाओ. क्या आप प्रोडक्ट अपने कस्टमर को, जो प्रोडक्ट शिप कर रहे हो, आप एक सॉफ्टवेयर शिपिंग कर रहे हो अपने कस्टमर को, वो आप एक हाई प्रायोरिटी के साथ शिप कर रहे हो. ठीक है, उसको पता होगा कि यार उसको जो चीज चाहिए उसका इनिशियल स्टेज इस तरह से है, ताकि यू कैन गैदर द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर और आप उसको फ्यूचर में इम्प्रूव करो रिलीजेस को अपनी. अच्छा, डेफिनेटली वो एक टाइम चीज ये भी से है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, लोग समझते हैं इस सेकंड से कि एजाइल में है ही नहीं, जीरो डॉक्यूमेंटेशन है या नो डॉक्यूमेंटेशन है. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एजाइल ये नहीं करता, कहता कि इट्स जीरो डॉक्यूमेंटेशन और नो डॉक्यूमेंटेशन. आप एजाइल को फॉलो करो, आप करो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस डिजाइन। क्राइटेरिया हाँ हो गया, आपकी कोई डिटेल है कुछ है, आपकी APIs है कुछ है, आपने उसको हल्का फुल्का डॉक्यूमेंट किया, बट डिटेल डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता एजाइल. ठीक है, देन थर्ड वन आपका है कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक टाइम होता था कि आपके जो है ना कॉन्ट्रैक्ट्स बनते थे प्रॉपर, कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करते थे कस्टमर के साथ, जिसमें आपके डिटेल फिनिश प्रोडक्ट्स होते थे, लाइक फॉर एग्जांपल SOW आपका होता है इन वाटरफॉल. ठीक है, आपका कोई मतलब डिफरेंस नहीं आ सकता कि आपने SOW बना दिया, साइन ऑफ कर दिया, आपने वो SOW उठाकर डेवलपर के हाथ में दिया कि भाई तुम्हें ये चीज बनानी है. ठीक
कस्टमर को एक्चुअली में ये चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू एजाइल मैनिफेस्टो आपका फोकस जो है ना कंटिन्यूस डेवलपमेंट में होता है, ठीक है, आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हो, तो यू नो नीड टू बिल्ड अ फीडबैक लूप विद योर कस्टमर, कि आप कंटिन्यूस जब डेवलपमेंट कर रहे हो, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो आप कस्टमर से कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक लेते हो ना, ताकि बिल्कुल कस्टमर जो है ना आपका कॉन्स्टेंटली इंश्योर करे कि आपका प्रोडक्ट चल रहा है, वर्क्स फॉर देम, कि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है. सो सिंपल सा इसका ये कि आप उसमें कोई साइन ऑफ नहीं आते एजाइल में, कि आपका जैसे प्रोजेक्ट प्लान का साइन ऑफ आ गया कि यार ये चीजें होंगी, इससे आगे नहीं होगा. अगर आप कोई चेंज रिक्वेस्ट आ रहे हो तो वो कंप्लीट चेंज मैनेजमेंट बोर्ड के थ्रू आएगी. कस्टमर कोलैबोरेशन के ओवरऑल आपका जो है ना कस्टमर से इंटरेक्ट रहता है, आप फीडबैक देता है, वो आपको इम्प्रूव करते हो, आपकी रिलीज वैल्यू क्वालिटी आती रहती है, फिर आप एक आखिर में एक वैल्यू रिलीज कस्टमर को डिलीवर करते हो, बिल्कुल जो मोस्टली जो है ना वो फ्री ऑफ बग्स होती है. अच्छा, वही उसी पॉइंट को हम वो एक्सटेंड करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कह रहा है कि जी ऐसा रिस्पॉन्डिंग टू चेंज एंड ओपनिंग अ प्लान। ही है. अच्छा, इसमें भी वही यही चीज है कि देखें, आप एक रोड मैप प्लान कर रहे होते हैं कि जो आपका ना बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा, आपने SOW दे दिया कि यार ये जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 3 टाइप्स के ट्रांसफर्स होंगे, 4 बिल पेमेंट्स होंगी एक मोबाइल एप्लीकेशन में, और मेरे पास मार्केटिंग में 2 इमेजेस होंगी, एंड आपकी इस तरह से डायरेक्ट डिजिटल ऑनबोर्डिंग के आपके 2 सिनेरियोज हैं, आपने ये रिक्वायरमेंट लिया, आपने साइन ऑफ किया, SOW बनाया, प्रोजेक्ट प्लान बनाया, एंड आपने उसको, आपने एक बेस लाइन बनाई, आपने उसको ब्लाइंडली फॉलो किया. बट आपके रोड मैप्स में जो है ना, एक अगर आप स्टैटिकल वर्ल्ड देखो ना, उसमें रिक्वायरमेंट शिफ्ट होती हैं, प्रायोरिटीज हमेशा चेंज होती हैं, ऑलवेज चेंजेस. अगर आप वाटरफॉल में भी उठा लो, लाइक मेरे अभी करंट प्रोजेक्ट में जस्ट 2 बिल पेमेंट्स इन SOW, बट डू यू इमेजिन दे जस्ट सेड 7 बिल पेमेंट्स दे वांट विद द स्केड्यूलर. उनको स्केड्यूल भी चाहिए था अच्छा और उसमें उनको 7 बिल पेमेंट्स भी चाहिए थे, तो खैर दैट वाज अ कंप्लीट चेंज रिक्वायरमेंट. बट अगर हम एजाइल फॉलो कर रहे होते ना, तो एजाइल मैनिफेस्टो क्या सजेस्ट करता है कि जो आपकी सॉफ्टवेयर टीम है, दे शुड हैव देयर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, वो क्रॉस फंक्शनल होनी चाहिए, उनके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई चेंज आ रहा है, कोई आप चेंज डायरेक्शन आ रही है, तो वो इतने फ्लेक्सिबल हो कि वो इजीली उसको अडॉप्ट कर सके. एक बिल्कुल फ्लेक्सिबल रोड मैप आपका होना चाहिए, एक डायनामिक रोड मैप जो है ना वो चेंज होता है क्वार्टर टू क्वार्टर, इवन समटाइम्स यू कैन से कि मंथ टू मंथ चेंज होता है, बट एन एजाइल टीम जो है ना वो उस चेंज को बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, बिकॉज एजाइल है ही ये कि वो रिस्पॉन्ड करता है चेंज को वेरी फ्रीक्वेंटली, वेरी इजीली. आप उसकी जो टीम्स होती हैं, दे आर क्रॉस फंक्शनल, दे आर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स, के उनको चेंज एक्सेप्ट करने में इशू नहीं होता. बट इन वाटरफॉल बिल्कुल जब एक चेंज आता है ना, तो उसके लिए बहुत इम्पेक्ट पड़ता है, बिकॉज टीम्स आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल. एक चेंज आता है बिकॉज टाइमलाइंस इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग स्प्रिंट्स एंड ऑल, उनको पता होता है कि यार मुझे इतने महीने में डेवलपमेंट कंप्लीट करके देनी है, और फिर डेवलपर को आप एक उठाकर चेंज दे दोगे, यार आपको ये भी ऐड करना है, तो डेवलपर गॉट फ्रस्ट्रेटेड. जैसे करंटली माई टीम इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है मेरी टीम, बिकॉज ऑब्वियसली क्लोजर है, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं कर रही मैनेजमेंट हमारी, तो दे आर वेरी एग्जॉस्ट. अब उससे क्या होता है, आपकी टीम अगर एग्जॉस्ट हो जाए ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 0 पे आ जाती बिल्कुल है. एज अ डेवलपर आप लॉजिक्स लगा रहे होते हो, कोडिंग कर रहे होते हो, और प्रैक्टिकली जो है वो ना, डे नाइट एफर्ट्स है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स हो रही होती हैं और रिजल्ट्स वो नहीं एग्जैक्टली हो रहे। और फिर जब आपके डेवलपर है ना, जो आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो, तो आप कोडिंग ना प्रैक्टिकली 5 to 6 hours लॉजिक्स लगा सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते. बट फिर मैनेजमेंट, आप रात लगा हुआ बैठे हुए हो, वो काम तो कर रहे होते हैं, बट जो काम 1 घंटे में हो सकता है ना, फिर वो काम उनका 3 से 4 घंटे में हो रहा है, तो उनका दिमाग ही नहीं चल रहा होता. तो ये आपका एजाइल मैनिफेस्टो है, एजाइल इन्हीं 4 वैल्यूज पे ना आपका पूरा एजाइल चल रहा है, ठीक है. एजाइल सही आपका इंडिविजुअल इंटरेक्शन को प्रमोट करता है, वर्किंग सॉफ्टवेयर को प्रमोट करता है, कोलैबोरेशन बिल्कुल
वर्किंग सॉफ्टवेयर हो गया, कस्टम वाइब्रेशन हो गया, रेस्पॉन्डिंग टू चेंज, यानी कि हम जो भी चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट अडॉप्ट करें और जो प्लान है उस बजाय के उसको फॉलो हो गया, फोकस करने के रैपिडली अपने अंदर चेंज एडेप्टेशन वाली पॉलिसी लाएं जो के एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हो। चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज एजाइल प्रिंसिपल्स। ठीक है, आपकी हर चीज के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे जो है एजाइल चल रहा होता है। उसमें फर्स्ट वन इज सेटिस्फाई द कस्टमर। इन एजाइल द हाईएस्ट प्रायोरिटी यू कैन से टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड हाउ इट्स थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ यू नो वर्किंग सॉफ्टवेयर, वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। Then welcome change. You can say whenever the requirements changing, even late in the development, you can say even in late before ending the project, agile process जो है ना वो हमेशा customer की expectations को meet करता है। The third one is deliver frequently, because from a couple of weeks you can say couple of months mein aap kaam kar rahe ho, the sprints mein kaam kar rahe ho, to aapke paas ek shorter time scale hota hai, aap jo hai na end at the end moments moments mein jo hai na aapke paas bum nahi phootte ki yaar ye nahi karna wo nahi karna, to wo bahut har sprint mein jab wo deliver kar raha hota hai, time to time delivery ho rahi hoti hai, to results bhi aapko on spot results bhi share ho rahe hote hain। Exactly, after her 2 weeks aapki delivery ho rahi hoti hai na, actually you can say ki after 2 weeks लगा लें, 4 weeks लगा लें, either 1 week भी होती है sprints, तो end of the sprint में आपका sprint demo होता है, तो उसपे अपना working software deliver कर रहे होते हो customer को। और अच्छा, एक जैसे आपने कहा कि 2 week का sprint है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, ना सिर्फ 2 week का sprint है, मगर उस 2 week के sprint में मैं 2 weeks wait नहीं कर रहा, इन केस के जी फर्स्ट करें कि मैंने यूजर लॉगिन स्क्रीन बनाई और जैसे लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, यूजर लॉगिन स्क्रीन बनाई, पासवर्ड स्क्रीन बनाई, देन हमने वो शेयर कर दी कस्टमर से, सही है, विद इन अ स्प्रिंट, 2 week का स्प्रिंट है, उसी के अंदर वो कस्टमर से शेयर हुई, कस्टमर ने ऑन स्पॉट उस पर बताया कि जी मुझे ये 2 fields ऐड करनी है, लैंग्वेज वाली और क्या कहते हैं फॉर इंस्टेंस कोई और फील्ड भी उसने का ऐड करनी है, देन उसी स्प्रिंट में रहते हुए within 2 week वाले मैं अपने डेवलपर के पास गया, यूजर स्क्रीन यूजर लॉगिन स्क्रीन और पासवर्ड तो ऐड किया हुआ था, वो लैंग्वेज वाला ऑप्शन भी ऐड किया और देन अगेन कस्टमर को फीडबैक के लिए भेज दिया हमने, ये विद इन अ स्प्रिंट एक्टिविटी हो रही है। देखें, होता ये है कि आप कस्टमर को देते नहीं है, मतलब इस तरह से देते हैं कि आप उनको प्रोडक्शन में देते हैं, आप उनको यूएटी में देते हैं, आप डेमो में जो है ना अपने पास दिखा रहे होते हैं उनको कि यार ये चीज बनी है, इस तरह से बनी है, ये चीज हम आपको अभी इतना शॉर्ट ऑफ पीस देखेंगे, आप अपने पास भी चला के देखें। जो आपका स्प्रिंट डेमो होता है ना, उसका पर्पस ये होता है कि आपने जितना कुछ 2 वीक की स्प्रिंट बनाया ना, वो आप उसको डिलीवर करते हो, आप उसको दिखाते हो, पूरे स्प्रिंट डेमो में आप पूरा उसको शो करते हो किस तरह से आपकी एप्लीकेशन है वो किस तरह से चलेगी। ठीक है, देन आपका फोर्थ वन इज वर्क टुगेदर। इट्स बिकॉज़ कि आप डिफरेंट इंडिविजुअल के साथ काम करते हो, दे आर मोटिवेटेड पीपल अराउंड योर एनवायरनमेंट, और आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, यू नीड trust to get the job done, you can say कि आप because आपसे ठीक नहीं हो रही तो आपने उसको दूसरे, because आपकी टीम में इतनी अच्छी जेलिंग होनी चाहिए, if you are not feeling well one day and your mind is not working and your mind is diverted somewhere else, you can ask your team member to do it, right? And trust and support is obvious सी बात है कि आप जब एक टीम में काम करते हो तो there is a lot of need of the trust और एक support आपकी टीम से। Face to face conversation का मैंने आपको already बता दिया, it's the most efficient and effective method of the communication in agile. सही। Then sustainable development is आपके जितने sponsors होते हैं, developers हैं, users हैं, they should be able to maintain, you can say कि constant pace, क्योंकि जब आप एक 2 weeks की sprint दिया, आपकी iterations होती है ना, तो आपकी continuously development हो रही होती है, आपकी कंटिन्यूस अटेंशन होती है कि आप टेक्निकल एक्सीलेंस आप बन कर रहे हो, तो आपका एक डिजाइन, आपकी जो
टेक्निकल चीजें हैं, आपका डिजाइन है वो एनहेंस हो रहा होता है हाँ एजिलिटी के थ्रू, मतलब वो हर हाँ स्प्रिंट में एनहेंस हो रहा होता है, क्वालिटी आपकी इंक्रीज हो रही होती है. अच्छा, देन मेंटेन सिंप्लिसिटी के आप जो है सिंपल, आप बिकॉज 2 वीक्स की स्प्रिंट है, आपने काम जितना उसको सिंपल रख सकते हो आप रखते हो, इसमें कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती. सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स के आप जितने भी आपके पास टीम में मेंबर्स हो, आइदर वो दे आर डिजाइनर्स, आइदर दे आर यूएक्स डेवलपर्स, आर्किटेक्चर्स, बीए और डेवलपर्स, टेस्टर, ये सब सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होता है. उनको पता होता है कि उनका क्या काम है, उनको कब करना है, दे जस्ट डू देयर वर्क एंड मेक द जॉब डन. सही सही, देन रिफ्लेक्ट्स द टीम, यू कैन से के रिफ्लेक्ट्स करती हैं किस तरह से मोर इफेक्टिव कर सकते हैं आप अपने बिहेवियर्स को, किस तरह से अकॉर्डिंगली आप एनवायरनमेंट के थ्रू जा रहे हैं. इसमें आपके पास स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव्स होती हैं, इसमें जो है आप फीडबैक्स ले रहे होते हैं कि यार ये स्प्रिंट में हमने ये काम नहीं किया था, अब ये कर सकते हैं, आपकी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही होती है. तो ये एनी क्वेश्चन इन एजाइल प्रिंसिपल? एजाइल प्रिंसिपल में तो नहीं, एजाइल वो तो समझ मैनिफेस्टो, में आ गया। हाँ, एजाइल मैनिफेस्टो भी क्लियर हो गया। ठीक है. अच्छा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, में जस्ट टेक अ अच्छा वाटर, मैं पानी नहीं पीकर आ जाऊँ. नहीं वहाँ थोड़ा सा आज थोड़ा फेवर करते हैं, आज थोड़ा टाइम हो गया ज्यादा ना, और सही है. एग्जॉस्ट भी हो गया, पूरा दिन का वो हो जाता है। तो आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। बस मुझे भी थोड़ा सा जरा मूव करना था। सही हो गया. अच्छा मुझे बताओ, आप कल नहीं, परसों, ट्यूसडे, ट्यूसडे अवेलेबल होंगे शाम में? हाँ, ट्यूसडे या वेनसडे में से ना मतलब कि टाइम वो कर लेते हैं कि इस सही है. ट्यूसडे सेशन को जो हम कंप्लीट कर लें। या वेंसडे के जो है ना, हम लाइक 8 o'clock कर लेते हैं, अगर आप फ्री हो जाते हो 8 o'clock तक. ठीक है, डन ठीक है, है, तो इन दोनों डन है, में मैं से मैं इंशाल्लाह एक दिन कोशिश आपको, बस करता मैं हूँ। ऑफिस, कल ऑफिस जाऊंगी तो मैं रूटीन जरा देख के बता दूंगी क्या वर्कलोड है. तो एक जी, ट्यूसडे या वेंसडे में से जो है ना, हम एक सेशन कर सेम लेते हियर, हैं. सेम हियर, सेम हियर, बिल्कुल सही है, बिकॉज यू नो मंडे जब आप बिल्कुल जाते हो ना, तो आपके पास एक सारा काम आ रहा होता है कि अच्छा 1 week बाद आए, तो एक सही। वीकेंड के बाद आए. हाँ, एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल ऐसे ही है। सैटरडे मंडे को जाके ट्यूसडे वेनेसडे, मतलब ट्यूसडे वेनेसडे में से कुछ दिन रख लेंगे, या ज्यादा कुछ हुआ तो बहुत तो थर्सडे कुछ कर लेंगे। बाकी कोशिश ये होगी कि थर्सडे ट्यूसडे के वेनेसडे में 8 PM तक एक सेशन हो जाए, एक 1 आवर का, तो वो भी मोर देन इनफ हो जाएगा। हाँ, वो मोर देन इनफ होगा. इसमें हम आपके जो है ना, ये आपकी स्क्रम की मेथडोलॉजीज भी कवर कर लेंगे, और एक हमारा है स्क्रम की क्या आपकी, क्योंकि हम जब ये आपकी जो स्क्रम मेथडोलॉजीज है, एजाइल की मेथडोलॉजीज, इसमें जो है ना जैसे लाइक 7 टेस्ट, 7 और 6 टाइप्स की होती हैं, बट यूजुअली और मोस्टली और 99% जो है ना, वो लोग यूज कर रहे होते हैं स्क्रम. ठीक है, ठीक तो फिर हम स्क्रम को जो है ना आगे फर्दर एलेबोरेट करेंगे कि स्क्रम के जो है, स्क्रम क्या होता है, ठीक है, स्क्रम की है। प्रिंसिपल्स क्या है, स्क्रम की थ्योरी क्या है, स्क्रम वैल्यूज कौन सी, स्क्रम में रोल्स जो मैंने आपको प्रोडक्ट ओनर का बताया था वो कौन से, स्क्रम में कितने इवेंट्स हैं, कौन से इवेंट की कितनी वैल्यू है. बिकॉज ये जो है ना क्वेश्चंस है तो बहुत छोटी छोटी चीजें, बट ये माइनर माइनर चीजों के ना क्वेश्चंस आते हैं आपके सीएसएम में, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो सीएसएम में जस्ट यू नो बहुत हलवा हो जाएगा आपके लिए. वो इट्स बेटर कि वो इस वक्त आप टाइम लगा लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो पेपर में आप एग्जाम में इशू ना हो। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए आपसे कहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो ना, आपको मिड ऑफ द वीक हाँ, उसपे अच्छा मुझे इस पे, मैं लास्ट भी सेशन में बोला था, इसमें थोड़ा सा मुझे एक फेवर कर देंगे, जैसे स्क्रम है ये, इसके ऊपर है, जैसे एक टास्क में मुझे या तो कोई एक्टिविटी दे दी कि जी आप ये देखो कि इसमें मुझे आप बना के दे दो कि जी मेरा, अब जैसे मुझे जो नॉलेज में समझ में थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि जी यूजर स्टोरीज क्या होती हैं, वाई एग्जैक्टली. फ्रेम असल क्या में मैं होता चाह रही हूँ है, कि पहले एक हमारा थोड़ा सा डेवलप स्क्रम करो। का ठीक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो फिर मैं आपको वो एक्टिविटी दूँ, है, ताकि अभी आपको सिर्फ बेसिक थ्योरी बची है, बची है. हाँ, स्क्रम की बची है, एक्सपी, कैनबैन और लीन और क्रिस्टल, ये बेसिकली जो मेथडोलॉजीज हैं एजाइल की, ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी है, स्क्रम और है. मतलब स्क्रम है, और ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट यानी कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफरेंशिएट करती है कि
अब जैसे एक्सपी है, मुझे एक्सपी से समझ में नहीं आ रहा कि एक्सपी मतलब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग से मतलब क्या है। मतलब एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में तो सारे काम हो रहे होते हैं, उसमें डेवलपमेंट भी है, प्रोग्रामिंग भी है, उसमें जो है टीम मैनेजमेंट भी है। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो इसको वर्ड है वो क्या एलेबोरेट करता है कि जी क्या एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली, अगर हम उसको मैं पढ़ता हूँ जी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज एन एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क दैट एम्स टू प्रोड्यूस हायर क्वालिटी सॉफ्टवेयर एंड हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द डेवलपमेंट टीम। XP is the most specific of the agile framework regarding appropriate engineering practices for software development. देखिए वही बात आ गई फोकस में। हाँ मैं आपको जो है ना, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे ना फ्रेश माइंड के साथ, तो मैं आपको एक एक उसकी डिटेल बताऊंगी, बिकॉज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है ना बहुत स्पेसिफिकली यूज होता है। अब देखिए ना, इसमें वही उसने वर्ड यूज वो किया कि जी फोकस क्या होता है, कंटिन्यूस वैल्यू डिलीवरी। देखिए एजाइल की जितनी भी मेथोडोलॉजीज है ना, उस सब में जो है कंटिन्यूस डिलीवरी है, बट जैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है वो स्पेसिफिकली यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक यू कैन से 99% आपका स्क्रम यूज होता है। सही है। और स्क्रम के ऊपर ना आपको बहुत फोकस, बिकॉज मैं आगे जो पढ़ाऊंगी वो स्क्रम से रिलेटेड होगा, तो स्क्रम पे आपने फोकस कर लिया ना, तो इट वुड योर लाइफ वुड बी वेरी इजियर। ठीक है, गुड। अच्छा इसमें मुझे थोड़ा सा बस ये फेवर कर दे कि नेक्स्ट सेशन तक ये कोई आपने जैसे स्क्रम के ऊपर कोई बुक या कोई नोट्स, मैं आपको सेकंड स्लाइड सेंड कर देती हूँ। फाइन, हाँ ये कर दें। इसमें स्क्रम की चीजें हैं वो मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देती हूँ, आप उसको गो थ्रू कर लेना। सो नाइस, थैंक यू सो मच। ओके शहजाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।